वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृतला और आज का हमारा टॉपिक है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जो कि फार्माकाइनेटिक्स के अंदर आता है। तो बेसिकली फार्माकाइनेटिक क्या है, तो ये आपका ड्रग का मूवमेंट बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर जो होता है उसी को ही हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। फार्माको यानी कि फार्मेसी से रिलेटेड, काइनेटिक्स यानी मूवमेंट। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स आपका कोई इंडिविजुअल किसी पार्टिकुलर ड्रग के लिए प्रोड्यूस करता है वो टोटली डिपेंड करता है आपके ड्रग के जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जहां पे वो एक्ट कर रहा होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक को बेसिकली डिवाइड किया गया है 4 बेसिक प्रोसेस में, जिसको कि ADME रेफर किया जाता है कभी कभी। ए जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए को डिनोट करता है, यानी कि जो ड्रग होते हैं वो आपके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जो जनरल सर्कुलेशन तक जाते हैं उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ड्रग जो होती है वो आपके बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है, जिससे कि वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच पाती है उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो किस एक्सटेंट तक ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो आपको बॉडी के अंदर चेंजेस होती है, मतलब कि कैसे ब्रेक होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, डिसॉल्व होती है, तो ये आपका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। एक्सक्रीशन यानी कि जो पेरेंट ड्रग है उसका रिमूवल और जो भी मेटाबोलाइट्स हैं बॉडी में उसके प्रेजेंट है उसके रिमूवल। तो एक चार्ट के थ्रू हम इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज, और यहाँ पे एक्सक्रीशन है। तो यहाँ पे ड्रग जो है एब्जॉर्प्शन के टाइम अपने डोजेस फॉर्म में होती है, तो वो वहां से रिलीज होती है आपके सॉल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद वो फ्री ड्रग जो है वो आपके साइट ऑफ एक्शन में जाती है, कुछ बाउंड रह जाती है, कुछ फ्री रहती है, और कुछ स्टोरेज टिश्यूज में जाती है तो वहां पे भी फ्री और बाउंड होती है। कुछ ड्रग्स जो है वो प्रोटीन से बाउंड हो जाते हैं ताकि जब जरूरत हो तो वो रिलीज हो, और उसके बाद उनका कुछ ड्रग्स का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और कुछ फ्री ड्रग्स जो होते हैं वो आपके यूरिन या बाइल या फिसिस या स्वेट या सैलवा के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं, या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपके ड्रग्स होते हैं उनका थेरेपेटिक इफेक्ट होने के बाद जो एलिमिनेट्स या मेटाबोलाइट्स रह जाते हैं वो आपको फिर यूरिन, बाइल, फिसिस, स्वेट या सैलवा के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। तो ये सारे जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसेस हैं वो आपको ड्रग को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है, ये पूरा प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होता है। तो अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो आपको फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल की बाई लेयर होती है, मतलब दो लेयर होती है, और इसकी थिकनेस 100 एमस्ट्रॉन्ग थिक होती है। इसमें आपके पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लिसरिल, फॉस्फेट, इथेनोलामाइन के साथ अटैच्ड प्रेजेंट हो सकता है, या कॉलिन, या फिर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है कोलेस्ट्रॉल का मेम्ब्रेन में, जो कि आपके टू सर्फेसिस पे ऑरिएंटेड होती है। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर देखिए, तो आपकी इसमें ये पोलर ग्रुप्स है और ये अंदर के साइड आपके नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन्स प्रेजेंट है, जो कि आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में एक कंटिन्यूस सीट फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये पोलर हो गया और ये आपके नॉन पोलर पार्ट हो गए। जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, मतलब ये देखिए, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है। तो ये जो प्रोटीन्स है वो आपको लिपिड बाइलेयर में एड्सॉर्ब्ड होती है। दो स्पेसिफिक लिपिड और प्रोटीन कॉम्पोजिशन होते हैं डिफरेंट मेम्ब्रेन के, वो डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू कि वो किस सेल में प्रेजेंट है या किस ऑर्गेनली में प्रेजेंट है। प्रोटीन्स जो है वो आपको फ्रीली फ्लोट करती है थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। कुछ इंट्रिंसिक कोन्स होते हैं जो कि आपको मेम्ब्रेन के फुल थिकनेस में आपको एक्सटेंड करते हैं, और वो उनके बीच में एक्वस पोर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू आपके आयंस के मूवमेंट होते हैं। तो बेसिकली ड्रग्स जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू दो प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होती है, पैसिव डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, और दूसरा है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। पैसिव डिफ्यूजन में बेसिकली ड्रग जो है वो मेम्ब्रेन के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करती है, मतलब हाई टू लो। ठीक है, और ये जो है मोस्ट ऑफ द ड्रग का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज करती है। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो आपको डिफ्यूज करते हैं लाइपोपोइडल मैट्रिक्स में डिसॉल्व करके, और ये जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें भी वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शनल होता है लिपिड टू वाटर पार्टीशन कोफिशियंट ऑफ द ड्रग के। जितना ज्यादा आपका लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है उतना ही ज्यादा वो हायर कंसेंट्रेशन अक्वायर करता है।
इनके अंदर और डिफ्यूज होता है क्विकली. जितना ज्यादा डिफरेंस होता है कंसेंट्रेशन के बीच में दो मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर, उतना ही ज्यादा आपका डिफ्यूजन फास्टर होता है. अब इसमें जो ये डिफ्यूजन होता है उसमें आपका पीएच का एक मेजर रोल होता है. अब मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब कि उनका आयोनाइजेशन जो है वो पीएच डिपेंडेंट होता है. जो आयोनाइजेशन होता है वीक एसिड का, एच ए जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, वो आपको pH is equal to pK plus log A by HA से डिनोट किया गया है. यहाँ pK जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम है एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का. और अगर कंसंट्रेशन आयनाइज्ड ड्रग का बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ अन आयनाइज ड्रग, तब आपका ये जो रेशियो है वो 1 हो जाता है. और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है इस कंडीशन में. यानी कि जो pH होता है वो आपका इस कांस्टेंट के बराबर हो जाता है. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आपकी न्यूमेरिकली इक्वल हो जाती है ड्रग के पीएच के बराबर, जो कि 50% आयोनाइज्ड है. तो अगर पीएच इंक्रीज होती है एक स्केल से तो आपका ये जो लॉग ए बाई एच ए होता है वो भी 1 या फिर 10 से इंक्रीज होता है. और 1 से अगर डिक्रीज होती है पीएच तो 1/10 के हिसाब से वो डिक्रीज होता है. मतलब कि जो वीकली एसिड ड्रग्स होते हैं वो आपको कटायंस के साथ शॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि सोडियम फिनोबार्बिटोन हो गया, पेनिसिलिन हो गया. तो ये आपको एल्कलाइन पीएच पे, जो एसिडिक ड्रग्स हैं वो कहाँ पे आपको आयनाइज होते हैं, एल्कलाइन पीएच पे. और इनमें अगर 1 स्केल चेंज किया जाता है तो ये आयनाइजेशन जो है वो 10-fold चेंज हो जाता है. ठीक. अब जो एसिडिक ड्रग्स होते हैं वो अनआयनाइज्ड होते हैं एसिड गैस्ट्रिक पीएच पे, इसीलिए वो एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं स्टमक में. क्योंकि जो अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपको नॉर्मली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसलिए वो मेम्ब्रेन के अंदर इजिली आपको सॉल्युबल होके लिपिड्स में, क्योंकि लिपिड आपका लिपिड का बाई लेयर है, तो वहां पे जाके लिपिड मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो आपको सॉल्युबल हो जाते हैं. और वहां से फिर वो मेम्ब्रेन से इजिली डिफ्यूज हो जाते हैं. इसीलिए एसिडिक ड्रग्स जो होते हैं वो आयनाइज्ड होते हैं आपको एल्कलाइन यूरिन में, और वहां से फास्टली वो एक्सक्रीट हो जाते हैं. वीक बेसिक ड्रग्स होते हैं वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं आपके अनायंस के साथ, जैसे एट्रोपिन सल्फेट हो गया, एफेड्रीन हो गया, और ये आपको एसिडिक पीएच पे आयनाइज होते हैं. तो इसीलिए ये आपको जाके सिर्फ इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि आपको वो लिपिड मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं. यानी क्योंकि आपका स्टमक में क्या होता है, एसिडिक होता है. तो एसिडिक वाले में बेसिक ड्रग्स जो होते हैं वो आयनाइज ही रहते हैं, जिसकी वजह से उनका एब्जॉर्प्शन वहां पे नहीं हो पाता है और वो आपको जाके इंटेस्टाइन में जाते हैं, जहां पे उनका एल्कलाइन मीडियम में आपका अनआयनाइजेशन होता है, और वहां से फिर वो इजीली आपको लिपिड सेल मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट हो जाते हैं. फिल्ट्रेशन, इसमें ड्रग्स जो है वो जो मेम्ब्रेन के अंदर एक्वस पोर्स प्रेजेंट होते हैं या फिर पैरासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, वहां से ड्रग का डिफ्यूजन होता है या पास करते हैं. जो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फिल्ट्रेशन मेथड से क्रॉस करते हैं, मतलब फिल्ट्रेशन के थ्रू, उन पोर्स के थ्रू क्रॉस करते हैं, अगर मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल होता है पोर्स के डायमीटर से. लेकिन अगर बड़ा होता है तो नहीं हो पाता है, क्योंकि जो पोर्स का डायमीटर है अगर उससे बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो उसके थ्रू वो नहीं पास कर पाएगा. जो मेजोरिटी ऑफ सेल्स जैसे कि इंटेस्टिनल म्यूकोसा, आरबीसी एक्सेट्रा के पोर्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो है वो 100 से ओवर ज्यादा होता है या 200 से ज्यादा होता है, वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं. लेकिन कैपिलरीज जो कि ब्रेन्स को छोड़ के उनका पैरासेलुलर स्पेसेस बड़ा होता है, इसलिए मोस्ट ड्रग्स, इवन एल्ब्यूमिन भी है, वो भी आपको वहां से फिल्टर हो जाता है. अब बात करेंगे हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट की. तो यहाँ पे आपको दो तरीके होते हैं, एक होता है कैरियर मेडिएटेड और दूसरा होता है पिनैकोसाइटोसिस. कैरियर मेडिएटेड में क्या होता है कि जितने सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो आपको होस्ट होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के लिए, जो कि आपको कैरियर या ट्रांसपोर्टर, मतलब ड्रग्स जो है उन कैरियर या ट्रांसपोर्टर के साथ बाइंड करता है और उसके बाद उसके थ्रू वो मूव करता है. ठीक है. तो ये सेल मेम्ब्रेन्स में ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको ये फंक्शन करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल आयंस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, मेटाबोलाइट्स के लिए, ट्रांसमीटर के लिए, ताकि वो मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्रॉस कर सके. ट्रांसपोर्टर्स जैसे मैंने बताया कि वो कंबाइन करते हैं अपने सब्सट्रेट, जो कि आयन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, उसके बाद उनमें कन्फर्मेशन
वाइब्रेशनल चेंजेस होते हैं और फिर वो सबस्ट्रेट को मेम्ब्रेन के दूसरे साइड में जाके वहां पे वो आपको जो ट्रांसपोर्टर होता है उससे डिसोसिएट हो जाता है और इस तरह से जो ट्रांसपोर्टर होता है फिर वापस अपने स्पेस प्लेस पे आ जाता है अपने जो कन्फर्मेशनल चेंजेस है उसको रीगेन करके और फिर इस तरह से जो आयन्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता रहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस मेथड में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कैरियर ट्रांसपोर्ट को टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दूसरा हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो आपको इसमें ट्रांसपोर्टर्स जो है वो सुपर फैमिली को बिलोंग करते हैं सॉल्यूट कैरियर के यानी कि SLC ट्रांसपोर्टर्स के और ये बिना एनर्जी के आपको ऑपरेट करते हैं। इसमें जो सब्सट्रेट होता है वो ट्रांसलोकेट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग यानी कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ये आपका SLC ट्रांसपोर्टर है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है या हायर कंसंट्रेशन है। तो हायर कंसंट्रेशन से आयन्स जो है इसके साथ बाइंड अप करते हैं फिर ये आपको कन्फर्मेशनल चेंजेस में आता है जिससे इसकी माउथ जो है इस साइड ओपन हो जाती है और यहां से ये फिर डिसोसिएट होता है फिर वापस ये ट्रांसपोर्टर जो है वो वापस अपने शेप में आ जाता है। तो इस तरह से मूवमेंट होता रहता है और इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे तो ग्लूकोज जो है वो मसल्स में या फैट सेल्स में आपको इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू आपको एंट्री करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली एनर्जी की जरूरत होती है और इसमें ट्रांसपोर्ट जो होते हैं सॉल्यूट के वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होते हैं मतलब कि लो टू हाई होता है। इसमें हाई टू लो हो रहा था लेकिन इसमें लो टू हाई होता है और इसमें सेलेक्टिव एक्युमुलेशन हो जाता है सब्सटेंस का एक साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में मतलब एक साइड के आयन जो होते हैं वो आपको लो से हायर कंसंट्रेशन में इकट्ठे हो जाते हैं और एक जो है वो दूसरे साइड में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे लेवोडोपा और मिथाइल डोपा जो है वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं गट में एरोमेटिक एमिनो एसिड ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो आपकी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जो है वो आपको डायरेक्टली ATP के हाइड्रोलिसिस से मिलती है मतलब क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं तो यहाँ पे जो प्राइमरी होता है उसमें ATP से आपको एनर्जी मिलता है। ट्रांसपोर्टर्स जो है वो सुपर फैमिली ऑफ ATP बाइंडिंग कैसेट यानी ABC ट्रांसपोर्टर्स को बिलोंग करते हैं और जहाँ पे इंट्रासेलुलर लूप्स होते हैं जहाँ पे ATPase एक्टिविटी होती है। ये आपको मेडिएट करते हैं सॉल्यूट का इफ्लक्स मतलब निकलना साइटोप्लाज्म से या फिर आप साइटोप्लाज्म में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या फिर इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनेल्स में जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया में। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्ट ये ट्रांसपोर्ट जो है वो अनदर सेट ऑफ SLC ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है। इसमें जो एनर्जी आपको वन सॉल्यूट के लिए जरूरत होती है वो आपको दूसरे सॉल्यूट के मूवमेंट से डिराइव होती है और वो जो दूसरा सॉल्यूट होता है मोस्टली आपका सोडियम होता है। तो जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कुछ इस तरह का होता है कि दोनों सॉल्यूट्स का मूवमेंट आपको सेम डायरेक्शन में होता है ठीक है और इसे सिंपोर्ट या को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो जब सॉल्यूट्स का मूवमेंट आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तब एंटीपोर्ट या फिर एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपोर्ट में क्या है आपको ये एक आयन हो गया और दूसरा हो गया तो दोनों का मूवमेंट जो है वो आपका एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ठीक है। यहाँ पे आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है यहां से एक आयन के मूवमेंट से एनर्जी डिराइव करके सेकेंड जो आयन होता है उसका मूवमेंट होता है। SLC ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो आपको अपटेक और इफ्लक्स जो ड्रग और मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका परफॉर्म करते हैं। पिनोसाइटोसिस जो है वो आपको एक अनदर प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट का सेल में पार्टिकुलर इसमें वेसिकल्स के फॉर्मेशंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और ये एप्लीकेबल होता है प्रोटीन्स के लिए और अदर बिग मॉलिक्यूल्स के लिए और आपको बहुत ही लिटिल वे में आपको कंट्रीब्यूट करता है ड्रग्स के ट्रांसपोर्ट में। तो ये था अबाउट आपका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।